नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का दिल्ली लाइव में। और बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे, अरविंद केजरीवाल ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऑक्सीजन की कमी उन्होंने बताई है। दिल्ली में तेजी से बढ़ रहे हैं कोरोना केस, पॉजिटिविटी रेट 24% से ज्यादा। केजरीवाल ने यह बात कही है, तेजी से आईसीयू बेड खत्म हो रहे हैं, कोरोना को लेकर लापरवाही महंगी पड़ेगी। डॉक्टर हर्षवर्धन से फोन पर बात की, केंद्र सरकार से 5000 बेड की मांग की है अरविंद केजरीवाल ने। केंद्र सरकार से हमेशा मदद मिली है, इस बार भी मदद की पूरी उम्मीद है। कोरोना रिपोर्ट आने में भी देरी हो रही है, देशभर में कोरोना से हाहाकार है। राजधानी दिल्ली के हालात भी लगातार बिगड़ते जा रहे हैं, आंकड़े हर रोज रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। राजधानी में कोरोना वायरस के कहर से उबरने के लिए दिल्ली सरकार तमाम कोशिशें कर रही है। और इसी क्रम में आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सभी जिलाधिकारियों और म्यूनिसिपल कमिश्नर के साथ चर्चा की। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि पिछले 24 घंटे में 24,000 केस आए हैं, स्थिति काफी ज्यादा चिंताजनक है, पॉजिटिविटी रेट करीब 24% हो गया है। बता दें कि कोविड मरीजों के लिए बेड और आईसीयू बेड की किल्लत जैसे आरोपों के बीच दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल लगातार हालात पर नजर रखे हुए हैं। नाइट कर्फ्यू के बाद दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू जैसे कदम उठाए जा चुके हैं और इसके बावजूद कोरोना की रफ्तार पर ब्रेक लगती नहीं दिख रही है। अब दिल्ली में कोरोना के बेकाबू हालात के बीच सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि अब ऑक्सीजन की कमी हो रही है, केस बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं, दिल्ली के अंदर सीमित बेड हैं, ऑक्सीजन बेड आईसीयू बेड खत्म हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम कोशिश कर रहे हैं कि बेड बढ़ाने की। सीएम केजरीवाल ने कहा कि अभी तक दिल्ली में बिस्तर की कमी नहीं होने दी गई है और अब 2 से 4 दिनों में और बेड हम लगाएंगे, ऑक्सीजन की भी दिक्कत नहीं होने देंगे। हम कोशिश कर रहे हैं कि जितना ज्यादा से ज्यादा बेड दे सके। उन्होंने कहा कि स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 1300 बेड लगाएंगे, होटल्स बैंक्वेट हॉल को अस्पताल के साथ जोड़ा जा रहा है और 2100 बेड्स तैयार कर रहे हैं। मैंने डॉक्टर हर्षवर्धन साहब से फोन पे बात की और उनसे मैंने निवेदन किया, ये तीनों चीज़ें मैंने उनसे मांगी, तीनों चारों चीज़ें। एक तो मैंने उनसे निवेदन किया कि दिल्ली के अंदर बेड्स की बड़ी मात्रा में कमी हो रही है। नवंबर के अंदर जब कोरोना आया था तो 4100 बेड केंद्र सरकार ने हमें मुहैया कराए थे, इस वक्त केवल 1800 बेड दिए हैं, जबकि ये वाली वेव पिछले वाली वेव से 3 गुना ज़्यादा घातक। अभी तक उसमें 8,500 केस पीक पे आए थे, हम 24,000 पे पहुंच चुके हैं। तो उनसे मैंने निवेदन किया, केंद्र सरकार के लगभग 10,000 बेड्स हैं दिल्ली में, इसमें से कम 50% बेड्स कोरोना के लिए रिजर्व किए जाएं। दूसरा उनको मैंने बताया कि किस तरह से दिल्ली के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो रही है, अगर ऑक्सीजन की तुरंत सप्लाई दिल्ली में की जाए, और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में आज मुझे बताया गया है कि ज़्यादा कमी हो रही है, तो अगर ऑक्सीजन की सप्लाई तुरंत करवा दी जाए। और तीसरा मैंने उनको बताया कि रेमडेसिविर और टॉसिलिजुमैब की काफ़ी किल्लत हो रही है, अगर वो मुहैया कराई जा सके। हमें केंद्र सरकार से हमेशा कोरोना की लड़ाई के दौरान मदद मिली है और मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि इस बार भी केंद्र सरकार दिल्ली में हमें पूरी मदद। राजधानी दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू के दौरान बिना जरूरत के लोग घूमते नजर आए, जैसे कि कैमरे को देखा वहां से भाग निकले। जब News1 इंडिया की टीम ने वीकेंड कर्फ्यू का हाल जानने की कोशिश की तो पता लगा कि कुछ लोग जानकारी न होने का बहाना बना रहे हैं और कुछ लोग जरूरी काम होने का हवाला देते नजर आ रहे हैं। आज आप बाहर क्यों निकले? ये सर सवारी था, इमरजेंसी था, थोड़ा वो छोड़ गया। क्या इमरजेंसी थी? हमारे पड़ोसी थे ना, उसे इमरजेंसी बोला छोड़ने के लिए, तो वो छोड़। सर क्या इमरजेंसी छोड़ने के लिए, इमरजेंसी क्या थी? इमरजेंसी अब ये नहीं पता मैडम सर जी, वो बोला इमरजेंसी थोड़ा छोड़ देना, तो मैंने बोला गाड़ी ताड़ी धो लें, कीचड़ लगा, कल चलाए थे तो वही घर से छोड़ के मैं जाए थे। आपको पता है कर्फ्यू? हमें पता नहीं सर, घर अनपढ़ बड़ गंवार हैं तो गरीब आदमी, हमें नहीं पता। बोलते रहे थे सारे रिक्शे वाले कि कर्फ्यू लगा है, मैं इतना दूर छोड़ के घर ही है, रात सेक्टर 7 में रहते हैं। कहाँ से आ रहे हैं आप? ये सेक्टर 7 से ही। कहाँ जा रहे हैं? यहीं पर आए थे सर। जगह का नाम बताइए। यही सेक्टर 7 ही है। चलिए, ये तमाम लोग हैं जो वीकेंड कर्फ्यू के दौरान निकल रहे हैं, लेकिन बहानेबाजी के नाम पर इमरजेंसी है और इमरजेंसी क्या है उसका इनको पता नहीं है। ऐसे में देखना होगा कि 19,400 से ज़्यादा केस आने वाली दिल्ली कैसे महफूज रह पाएगी
और क्या मायने रह जाते हैं उस वीकेंड कर्फ्यू के, जब इस तरह लोग वायलेंस करते नजर आते हैं। आखिर पूरी दिल्ली यानी करीब 2 करोड़ की आबादी को लॉक किया गया है, ऐसे में चंद लोग उस चेन को तोड़ने की जो कोशिश की जाती है उसको असफल बना देते हैं। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में, ये तस्वीरें हैं कंजावला रोड की, जहां पर साफ तौर पर पुलिस वाले इन्हें रोक रहे हैं, लेकिन इनके पास कोई व्यापक ना तो ई कर्फ्यू पास है और ना ही कोई वैध रीजन समझ में आ रहा है। ऐसे में देखना होगा कि आखिर ये कर्फ्यू का पालन कैसे होगा। मैं गुलशन सैफी, न्यूज वन इंडिया, दिल्ली। हाँ जी, क्या समस्या आ रही है आप लोग? जनाब मेरे तो मैंने 7-8 गायें रखी हुई है, मैं दूध देने घर आपको जा रहा था तो मेरी गाड़ी मुझे उठा के बंद कर दिया इन्होंने। 11 बज रहे हैं, ऐसे में कौन से दूध की सप्लाई हो रही है? जनाब मेरी 9 बजे की गाड़ी पकड़ी हुई है, 9 बजे का मुझे पकड़ रखा है इन्होंने। तो आप लोगों ने ईव कर्फ्यू पास के लिए अप्लाई किया था? जनाब पास अप्लाई कर रखा है लेकिन अभी कोई हल नहीं आया। उन्होंने कहा दूध और सब्जी वालों को पास की जरूरत नहीं है, मैं SDM ऑफिस गए थे। अभी पुलिस वाले क्या कह रहे हैं? पुलिस वाले कह रहे हैं जी दूध सप्लाई नहीं कर सकते आप। आप हमारे चैनल के माध्यम से दिल्ली सरकार से क्या अपील करना चाहते हैं? दिल्ली सरकार से ये अपील करना चाहते हैं कि दूध और सब्जी वाले को, कम से कम दूध और सब्जी वाले को तो छोड़ा जाए, या तो क्लियर साफ शब्दों में कह दो दूध सब्जी नहीं बिकेगी तो हम नहीं बेचेंगे। तो राजधानी दिल्ली में आज वीकेंड कर्फ्यू का पहला दिन है, लोग जरूरी काम से अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं लेकिन कई लोग पास के जरिए बाहर जा पा रहे हैं। वहीं सबके पास न होने की वजह से कई लोगों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है, लेकिन इन तमाम हालतों के बीच दिल्ली पुलिस के जवान मुस्तैदी के साथ अपनी ड्यूटी करते नजर आए। लेकिन साथ ही कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनका कहना है कि उन्होंने पास के लिए अप्लाई तो किया है लेकिन अप्रूवल नहीं हो पाया है, लिहाजा ऐसे में काफ़ी संख्या में लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो दिल्ली सरकार जहां एक ओर दावे कर रही है कि वह 24 से 48 घंटे में कोरोना की रिपोर्ट उपलब्ध करवा रही है, लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट पर यह सब बातें सच साबित नहीं हो रही है। रोहिणी के डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अस्पताल में जब न्यूज वन इंडिया की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची, जहां देखा कि लोग सामाजिक दूरी का ध्यान नहीं दे रहे हैं, यह वही लोग हैं जो RT-PCR के थ्रू अपनी कोरोना जाँच करवाने आए हैं। यहाँ आए एक बुजुर्ग व्यक्ति ने अस्पताल का लापरवाही का आरोप भी लगाया तो संतोष नाम के पेशेंट ने कहा कि 4 दिन बीत जाने के बाद भी रिपोर्ट नहीं मिल पा रही है। कर्फ्यू का पहला दिन है और इस वक्त मैं मौजूद हूं बाबा भीमराव अंबेडकर हॉस्पिटल में, जहां RT-PCR जांच के लिए लोग मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि कितनी भारी संख्या में यहां लोग मौजूद हैं और सामाजिक दूरी, सोशल डिस्टेंसिंग जिसका पालन करने की बात की जा रही है वो वर्तमान में यहां देखने को नहीं मिल रहा है। आप देख सकते हैं कि लोग एक दूसरे से सटे हुए हैं और कोई सामाजिक दूरी जिसको कहा जा सकता है कि ऐसा कोई नियम सरकारी अस्पताल में देखने को नहीं मिल रहा है। ये रोहिणी का एक बड़ा अस्पताल है जिसमें तमाम तरह की सुविधाएं उपलब्ध है। इस अस्पताल को बाबा भीमराव अंबेडकर के नाम से जाना जाता है और वीकेंड के दिन भी इतने लोगों का आना इस बात को लेकर प्रतीक है कि कहीं ना कहीं लोग कोरोना को लेकर चिंतित हैं और आज वीकेंड के दिन भी अपनी RT-PCR जाँच कराना चाहते हैं। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बीच कहीं ना कहीं सामाजिक दूरी जो है उसके नियमों का उल्लंघन हो रहा है। आप देख सकते हैं कि लोग किस तरह सटे हुए एक दूसरे से। सर आप पास खड़े क्या कहेंगे? क्या कहें सर, हम पास ही दूरी खड़े सर। चलिए साफ कैमरे के आगे बहानेबाजी, आप देख सकते हैं आखिर दिल्ली इतनी लापरवाह क्यों? 19,400 से ज़्यादा मामले आने के बाद भी दिल्ली सावधानी बरतने को तैयार नहीं। वीकेंड कर्फ्यू लग चुका है, 10 से 5 का नाइट कर्फ्यू चल रहा है, उसके बावजूद लापरवाह दिल्ली संभलने को तैयार नहीं। 400 से ज्यादा लोगों की मौत हो जाती है लेकिन लोग हैं कि सामाजिक दूरी का पालन करने को तैयार नहीं। आखिर क्या वजह है, क्या समस्या आपकी? समस्या ये कोरोना चेक नहीं हो रहा हमारा, बिल्कुल भी कोई यहाँ सुनाई नहीं है सरकारी हॉस्पिटल में। हम सुबह के आए हुए 7 बजे के यहाँ लाइन में लगे हुए हैं, यहाँ बिल्कुल व्यवस्था खराब है, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं है यहाँ भाई साहब, यहाँ तो आना ही बेकार है। क्या वजह बता रहे हैं लोग? हमारे सिर में दर्द हो रहा है और मेरे को चक्कर आ रहे, लेकिन यहाँ कोई सुनाई नहीं है। यहाँ कोई कहता उधर जाओ, कोई कहता उधर जाओ, कोई कहता उधर जाओ, ये हाल हो रहा है यहाँ। चलिए ये बाबा भीमराव अंबेडकर में एक व्यक्ति जो कोरोना की जांच कराने आए हैं और
व्यवस्था ना होने की वजह से नाराजगी उनको साफ झलक रही है। कह रहे हैं कोई दिशा निर्देश उनको साफ नहीं दिए जा रहे हैं। कोई व्यक्ति कहता है यहाँ जाइए, और आपने देखा तस्वीर में वो सीनियर सिटीजन थे, बावजूद इसके उनको कोरोना की जांच कराने के लिए परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मैं गुलशन सैफी, न्यूज वन इंडिया। वह सदर बाजार के बारा टूटी चौक से बहादुरगढ़ तक सभी दुकानों को सैनिटाइज किया गया। देश में बढ़ते कोरोना के आंकड़े, दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू लगाया गया है लोगों को रोकने के लिए, ताकि जनता घरों में ही रहे और वायरस ना फैल सके। दिल्ली सरकार ने पहले नाइट कर्फ्यू लगाया और अब वीकेंड कर्फ्यू लगाया गया है। खतरा कम नहीं हुआ तो दिल्ली सरकार को संपूर्ण लॉकडाउन भी लगाना पड़ सकता है। वहीं MCD के कर्मचारी और अधिकारी सभी इस वीकेंड कर्फ्यू का पालन कर रहे हैं और लोगों को भी पालन करने के लिए कह रहे हैं। वहीं शनिवार सुबह से ही MCD मेयर जयप्रकाश और कर्मचारियों ने मिलकर सदर बाजार मार्केट और पहाड़ी धीरज के इलाके को मार्केट को सैनिटाइज करने का काम किया गया। और खुद MCD मेयर ने कहा कि हम दिल्ली सरकार के साथ मिलकर काम कर रहे हैं और कोरोना की लड़ाई में पहले भी MCD ने सहयोग किया था और अब भी सहयोग कर रहे हैं, और जनता से अपील करते हैं कि कोरोना को हराने में हमारी और सबकी मदद करें। मेयर ने कहा कि सैनिटाइज करने का कारण है कि कोरोना वायरस को हराना और कोरोना को मारना। हम पहले भी जीते थे और अभी भी जीतेंगे। वीकेंड का 2 दिन का कर्फ्यू है, उसका उत्तरी दिल्ली नगर निगम सदुपयोग कर रहा है। जो हमारे बड़े बाजार हैं जहाँ फुटफॉल ज़्यादा होती है, जहाँ बड़ी संख्या में लोग आते हैं, व्यापारी हो चाहे ग्राहक हो चाहे कोई भी हो, इसलिए हम आज सदर बाजार, चांदनी चौक, खारी बावली, जितने भी ऐसे हमारे घनत्व आबादी वाले बाजार हैं, वहाँ पर सैनिटाइजेशन का एक सघन अभियान चल रहा है। सुबह से ही हमारा अभियान शुरू हो गया था। आज बाराटूटी चौक से मैंने खुद इस अभियान को शुरुआत की है। कमिश्नर हमारे संजय गोयल जी मेरे साथ है, हमारा सारा अमला जमला साथ है। हम 2 दिन का सदुपयोग करके पूरे एरिया को सैनिटाइज करेंगे, ताकि संक्रमण के प्रभाव को कम से कम किया जा सके। आपके इलाके के अंदर कितने एरिया के अंदर, कितनी मार्केटों में सैनिटाइजर किया जाएगा? हमारे उत्तरी दिल्ली नगर क्षेत्र के जितनी बड़ी मार्केट है, चाहे वो चांदनी चौक है, चाहे खारी बावली है, चाहे नया बाजार है, चाहे किनारी बाजार है, चाहे कोई सा ही बाजार है, चाहे सदर बाजार है, चाहे आजाद मार्केट है, चाहे करोल बाग है, चाहे पीतमपुरा है, चाहे श्रीनगर की तोताराम मार्केट है, ऐसे अनेक जितनी बड़ी मार्केट है, चाहे मंगोलपुरी की पत्थर मार्केट है, सब जगह सैनिटाइज का काम शुरू हो गया। और 2 दिन के अंदर हम सभी ऐसे बड़े बाजारों को जहां बड़ी संख्या में लोग आते हैं, सैनिटाइज करके राहत देने का प्रयास करें। वीकेंड लॉकडाउन के दौरान दिन की सड़कों पर अन्य दिन के मुकाबले कम वाहन दिखी। आपको बता दें कि घर से लोग कम ही निकल रहे थे। सरकारी दफ्तरों या हॉस्पिटल में काम करते जो लोग हैं वो ज़्यादातर नजर आए। जगह जगह बैरिकेडिंग लगाकर पुलिस चेकिंग करती रही। दिल्ली की सड़कों का जायजा लिया हमारे संवाददाता दीपक शर्मा ने। कन्हैया नगर मेट्रो स्टेशन पर, जो कि केशवपुरम थाने के अंतर्गत आता है, यहाँ पे जो है वीकेंड लॉकडाउन लगा है। उसके तहत जो है पुलिस जो है यहाँ की वो अलर्ट है पूरे तरीके से। आप देख सकते हैं सारी पुलिस कर्मी जो है यहाँ पर तैनात है। जो भी यहाँ पर गाड़ी है उसको अलाउ दे रही है। तो आप देख सकते हैं कुछ लोग हैं जिनको यहाँ पर रोका गया है। मैं कोशिश करते हैं जानने की कि वो किस लिए घर से निकले थे, किस लिए यहाँ पर आए हैं। सर क्या नाम है आपका? जी राजेश सागर। कहाँ से आ रहे हैं आप? मैं सर वैजीत का बात करते हूँ, मैं डिलीवरी बॉय हूँ। आपको एक बात बोला हुआ था सर, मैं अप्लाई किया हुआ है। तो बिना अप्लाई के फिर आप क्यों निकले थे सर? वो आया नहीं, काम से तो पता जरूरी है सर, कैसे कैसे पानी। अगर कोई दिक्कत होगी तो दिन बात करो सर। दिक्कत तो जो अभी कंपनी से बात कर रहा हूँ, कोई बोल रहा है सर, दिक्कत तो आई क्या करें। ये चलान में नहीं आता सर, अप्लाई कर रखा है सर, आया नहीं। तो आप देख सकते हैं जैसे लोगों के पास अपने अपने एक्सक्यूज हैं कि किस वजह से वो निकले हैं। हर कोई कोई ना कोई बहाना जरूर यहाँ पे बना रहा है, लेकिन केशवपुरम थाने की पुलिस जो है वो पूरी तरीके से मुस्तैद है और हर आने वाले जाने वाली गाड़ी को यहाँ पर रोका जा रहा है। अगर उनको मंजिल है आगे जाने और ना बकायदा यहाँ पर जो है उनके चलान काटे जा रहे हैं। आप देख सकते हैं चलान बुक जो है ये उनके पास में एक चलान बुक है, इस तरह की चलान बुक है बकायदा 2,000 रुपये का चलान जो है इसमें वो काटा जा रहा है। उसके अलावा अगर कोई ज़्यादा ही गलती करता है तो उसको गिरफ्तार करने की भी जो है पुलिस को आदेश है कि पुलिस उनको गिरफ्तार भी कर सकती है।
दिल्ली के साउथ एक्स पर वीकेंड कर्फ्यू की चेकिंग कर रहे कोटला मुबारकपुर के SHO विनय त्यागी से न्यूज़ वन इंडिया संवाददाता कमल किशोर ने खास बातचीत की और SHO ने बताया कि किस तरीके से वो लोगों का चेकिंग कर रहे हैं और कोरोना से बचने के लिए मास्क और कर्फ्यू के दौरान घर पर रहने की सलाह भी दे रहे हैं। दिल्ली के अंदर कोरोना के केस बढ़ते जा रहे हैं। दिल्ली सरकार ने और केंद्र ने कर्फ्यू लगाने का ऐलान किया था, नाइट कर्फ्यू लगा चुका था, लेकिन शनिवार और इतवार के दिन फुल डे का जो कर्फ्यू था वो लगा चुके हैं। मैं इस समय मौजूद हूँ साउथ एक्स कोटला मुबारकपुर के पास और हमारे साथ जो कोटला मुबारकपुर के SHO है विनय त्यागी जी, वो हमारे साथ यहाँ पर दिख सकते हैं अपनी टीम के साथ किस तरीके से वो गाड़ियों की चेकिंग कर रहे हैं और गाड़ियों को वो पूछ रहे हैं कि किस तरीके से वो वहाँ पर जो खास वजह है वो निकले हुए हैं, क्योंकि लोगों को बाहर निकलने से मनाही की गई है और लोगों को ना खास तरीके से चेकिंग कर रहे हैं। अपनी टीम के साथ वो यहाँ पर लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं, मैं तस्वीरों के माध्यम से दिखा दूं कि कोटला मुबारकपुर साउथ एक्स पार्ट वन का ये इलाका है जहाँ पर विनय त्यागी जी SHO जो हमारे साथ हैं, हम इनसे बात करेंगे किस तरीके की वो चेकिंग कर रहे हैं। सर किस तरीके की आप चेकिंग कर रहे हैं यहाँ पर? देखिए, दिल्ली सरकार ने 2 दिन का जो है वीकेंड लॉकडाउन किया है, तो उसमें यही है कि कोरोना वायरस जो है जिस तरीके से केस की इंक्रीज होते आ रहे हैं तो उससे बड़ा डर हो गया है। तो लोगों से हमारी यही अपील है कि सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखें, 2 गज की दूरी रखें और जिन पर कर्फ्यू पास है वो ही निकलें। अगर ज़्यादा ज़रूरी है तो घर से निकलें, अदरवाइज़ अपने घर में रहें, स्वस्थ रहें। लोगों का जो यहाँ पर है बैरिकेड लगाए हुए, लोगों का कुछ बहाने यहाँ पर बनाने के, जैसे बाहर निकलने के लिए किस तरीके के लोग बहाना बना रहे हैं? कुछ लोग बहाने बना रहे हैं, बाकी तो ज़्यादातर जो ज़रूरी है, जैसे पेशेंट है, कोई शादी में जा रहा है, कोई अपनी ड्यूटी जा रहा है, ऐसे लोगों की तादाद ज़्यादा है। लेकिन बहाने बनाने वाले इक्का दुक्का ही हैं। जो बहाने बना रहे हैं उन्हें हम प्रोसिक्यूट कर रहे हैं, उनका हम चालान कर रहे हैं सुबह से। तो ये थे हमारे साथ SHO विनय त्यागी जी, हमने बताया कि किस तरीके से यहाँ पर चालान और लोगों का वो चेक कर रहे हैं और लोगों का जो वह दिल्ली में बढ़ रहे लगातार कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप के मामलों को देखते हुए दिल्ली सरकार ने 2 दिन का कोरोना कर्फ्यू आज से लागू किया है, जिसमें सिर्फ कुछ जरूरी काम को लेकर लोग बाहर निकल सकते हैं, जिसे देखते हुए पुलिस प्रशासन सख्त नजर आ रहा है और जगह जगह चेकिंग अभियान भी चलाया जा रहा है। बावजूद इसके एक ऐसी तस्वीर पूर्वी दिल्ली के गाजीपुर इलाके से नजर आई जहां सरकार के नियमों की खुलकर धज्जियां उड़ाई जा रही है। ताज़ा तस्वीर गाजीपुर इलाके के मानी पार्किंग की है, जहाँ पर पार्किंग की आड़ में बस अड्डा चलाया जा रहा है और सवारियों से मोटी रकम ली जा रही है और बसों में सवारियों को भरा जा रहा है, जिससे साफ दिख रहा है कि इस तरह की लापरवाही से कोरोना महामारी के फैलने का खतरा और बढ़ रहा है। तो यहाँ तो 2 दिन का दिल्ली सरकार ने लॉकडाउन लगाया है कोरोना को देखते हुए, तो उसको कहीं ना कहीं लगता है कि इससे क्या आपको प्रभावित? नहीं, उस चीज़ से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छी बात है, वो तो गवर्नमेंट ने हमारे लिए अच्छे किया है। तो यहाँ पे बसें चल रही हैं लगातार, डेली नहीं चल रही है, मतलब कभी कभार। अब लॉकडाउन मतलब आगे बढ़ सकता है तो फिर बंद भी कर सकते हैं। तो क्या यहाँ से जो आपने टिकट लिए ऑनलाइन बुकिंग? एक और देश भर में कोरोना महामारी का प्रकोप दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने वीकेंड कर्फ्यू के आदेश दिए थे और दिल्ली के पुलिस कमिश्नर ने भी आदेश दिए हैं कि इसको सख्ताई से बिल्कुल पालन किया जाएगा और अन्यथा इस पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं दूसरी ओर हम इस वक्त मौजूद हैं दिल्ली के गाजीपुर बस पार्किंग में, जहां पर साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि खुलेआम आदेशों का उल्लंघन किया जा रहा है और कोरोना को बढ़ावा जैसा फिर एक प्रयास किया जा रहा है। यहां पर जितनी भी जो आप बसें देख रहे हैं उसमें लगातार बस में सवारियों को बिठाया जा रहा है, जो कि जो लोग हैं फिर एक बार मजदूर अपने घर की तरफ यहाँ से यात्रा कर रहे हैं और जिनको टिकट भी एक ऊँचे भाव में दी जा रही है, जो कि एक फिर से एक कोरोना को बढ़ावा जैसा काम है और इससे कोरोना को फिर से एक बढ़ावा दिया जा सकता है। कहीं ना कहीं देखा जा सकता है कि जिस तरीके से ये आदेशों का उल्लंघन किया जा रहा है और उस यहाँ पर किस कोई भी है दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर, जहाँ दिल्ली के अंदर 2 दिन का वीकेंड कर्फ्यू लगाया गया है केजरीवाल साहब की तरफ से, लेकिन फिर भी नियमों के उल्लंघन किया जा रहा है। तमाम सुरक्षा इंतजामों को धज्जियाँ उड़ाते हुए, कोरोना की गाइडलाइंस को अनफॉलो करते हुए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सवारियों को बसों में भरा जा रहा है और कोई सुरक्षा के इंतजाम नहीं है। इस तरीके का माहौल को देखते हुए लग रहा है
कि कहीं ना कहीं इस कंडीशन में, कोरोना की कंडीशन में देश को कैसे बचाया जाए, क्योंकि आप देख सकते। तो दिल्ली में बढ़ रहे लगातार कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप के मामले को देखते हुए दिल्ली सरकार ने 2 दिन का कोरोना कर्फ्यू लागू किया है, जिसमें सिर्फ जरूरी कामों को लेकर ही लोगों को बाहर निकलने की इजाजत दी गई है, जिसे देखते हुए पुलिस प्रशासन लगातार सख्त नजर आ रहे हैं और चेकिंग अभियान भी चलाया जा रहा है। इसमें एक बार फिर कोरोना महामारी का खतरा मंडराता जा रहा है, जिसको देखते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने वीकेंड कर्फ्यू के आदेश दिए थे, जिसमें कि आज वीकेंड कर्फ्यू का शनिवार का पहला दिन है और कहीं ऐसे दिल्ली के भीड़भाड़ वाले इलाकों में भी रोकथाम लगाई गई है, जहां कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और इस कोरोना महामारी के बढ़ते खतरे को कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से रोका जा सके। मैं इस वक्त मौजूद हूँ पूर्वी दिल्ली के आनंद विहार टर्मिनल पर, जहां साफ तौर पर देखा गया है कि किसी भी प्रकार का कोई सोशल डिस्टेंसिंग या नहीं है। जो भी यात्री सफ़र करने के लिए यहां ट्रेन का वेट कर रहे हैं, वो एक दूसरे से बिल्कुल सटके खड़े हुए हैं, जिसमें कि ये एक कहीं ना कहीं एक ओर से कोरोना महामारी को बढ़ावा जैसा देने का कार्य किया जा रहा है और प्रशासन यहाँ बिल्कुल ही इस तरीके के किसी भी रोकथाम नहीं लगा रही है। भीड़भाड़ में जितने लोग यहाँ सटे हुए हैं, कहीं ना कहीं ये कोरोना महामारी को देखने के लिए बहुत ही बड़ा खतरा नजर आता है। और एक और दूसरी दिल्ली सरकार वादे कर रही है कि हम इसको रोकने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, लेकिन यहाँ प्रशासन आंखें मूंद कर खड़ा हुआ है और किसी भी प्रकार का यहाँ पर इसको रोकने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। मैं न्यूज़ वन इंडिया के लिए। फिलहाल दिल्ली लाइव में बस इतना ही, लेकिन ताज़ातरीन खबरों के लिए आप बने रहें न्यूज़ वन इंडिया के साथ।